हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है सिट कंपाउंड एकेडमी में। तो आज के हम खबरों को शुरू करते हैं। जो हमारी पहली खबर है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर का शेयर 5% की दमदार रैली के साथ नए रिकॉर्ड हाइक पर पहुंच गया है। जिनके पास भी सोनाटा का शेयर है उनको मुबारक हो, नया हाई पे हाई बना रहा है, प्रॉफिट बनाते जाइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज पे। जो अपना नेक्स्ट न्यूज है वो है कमोडिटी से रिलेटेड। सोना आज भी सस्ता हुआ है, मतलब सोने का भाव आज भी गिरा है एंड चांदी भी डाउन आया है फ्रेंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो है वरुण ब्रेवरेज स्टॉक में दिख सकती है 16% की तेजी। और वहीं LIC शेयर प्राइस में क्या हुआ है कि 7% LIC शेयर प्राइस ने 7% रिकवर किया है। हम सभी जानते हैं वरुण बिवरेजेस के बारे में। वरुण बिवरेजेस सदाबहार स्टॉक है एंड पूरा पेप्सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो वरुण बिवरेजेस ही संभालता है। कभी भी बाय कीजिए, किसी भी प्राइस पे बाय कीजिए। आने वाले समय का मल्टीबैगर है, मल्टीबैगर ऑलरेडी हो चुका है। LIC हमने हमेशा मना किया है, आज भी मना करते हैं। आज थोड़ा 100 रुपये के नीचे, जो कि आपको भरोसा नहीं होगा, कुछ दिनों में 2-3-4 सालों में ये आ जाएगा 100 रुपये के नीचे, तब इसे बाई कीजिएगा। अभी कोई भी 7-8% का रिकवरी आए तो अपना रिकमेंडेशन नहीं है इसे बाई करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। जो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड वो है नो ब्रोकर ने गूगल से $50 लाख जुटाए हैं। जी हाँ, $50 लाख नो ब्रोकर ने गूगल से लिए हैं। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपने सर्विसेज बिजनेस नो ब्रोकर हुड के विस्तार के लिए करेगी। उसका एक प्रोडक्ट है नो ब्रोकर हुड, उसमें ये लगाएगा एंड एक तरह से समझिए कि गूगल एक तरह से पार्टनरशिप ही करेगा इसमें। सो नो ब्रोकर के लिए अच्छी खबर है, देखते हैं इस पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर पाता है ये कंपनी या नहीं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो HDFC बैंक से रिलेटेड है। HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन को एक गुड न्यूज़ दिया है। उन्होंने क्या किया है, एक डायमंड डिपॉजिट नाम का स्कीम योजना शुरू की है। उसमें वो दे रहे हैं 75 महीनों की FD पर 8% ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। ये एक अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी हाई रिटर्न FD के मामले में HDFC दे रहा है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो अपना नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड वो है रिलायंस कैपिटल से रिलेटेड। काफ़ी चर्चा में रहा है, अब तो मिट्टी पलीत हो गया है। रिलायंस कैपिटल की एक बार फिर से लगेगी बोली, NCLT ने दी मंजूरी। अब NCLT बहुत दिन पहले ही NCLT में इसकी सुनवाई होनी है। लगभग सारे के सारे जो भी डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, स्क्रैप हो जाते हैं, वो NCLT में जाते हैं, वहाँ पे इनकी बोली लगती है। सो एक बार फिर से रिलायंस कैपिटल की बोली लगेगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो येस बैंक से रिलेटेड है। येस बैंक का जो शेयर है वो 5% गिर गया है। और वही यूको बैंक ने क्या किया है, 6 महीने में 120% का रिटर्न दिया है। जैसा कि टेक्निकली हमने बताया था आपको कि येस बैंक का जो रेजिस्टेंस है वो 18.5 रुपये, मतलब 18.5, एंड देन अनदर रेजिस्टेंस लेवल इज 19.25, तो उससे ये ऊपर जा नहीं पा रहा। सो एक ब्रेकआउट की ज़रूरत है इसे। एंड यूको बैंक ने कमाल का 6 महीने में रिटर्न दिया है, देखते हैं ये रिटर्न आगे कैरी होता है या नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो अपना नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड वो है स्विगी से रिलेटेड। काफ़ी आप लोग ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। स्विगी ने बेचा अपना क्लाउड किचन बिजनेस, कॉस्ट में कटौती के लिए उठाया कदम। काफ़ी लॉस मेकिंग जा रहा था ये, सो इसने अच्छे ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा था उसका ये प्रोडक्ट, सो उसने ये दूसरे कंपनी को ये सेल कर दिया ताकि जो भी अभी इसमें नुकसान हो रहा है वो एडजस्ट हो सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड है। वंदे भारत ट्रेन की बोली से उछल गया शेयर। वंदे भारत ट्रेन की बोली की वजह से, मतलब जो वंदे भारत की वजह से क्या हुआ है, रेलवे स्टॉक में 15% की तेजी देखने को मिली है। काफ़ी अच्छा न्यूज़ है रेलवे के लिए। जिनके पास भी IRCTC एंड इन सब का स्टॉक्स है आपके पास, सो अच्छा बेनिफिट आप लोग ले रहे होंगे, करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो अपना नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सेंसेक्स 501 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। आज मार्केट जो है बेरिश बंद हुआ है, सेंसेक्स 501 पॉइंट डाउन बंद हुआ है एंड निफ्टी 17,400 के लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा, वापस 17,400 के नीचे बंद हुआ है एंड अदानी का शेयर में उछाल आई है। ये अभी ऊपर नीचे करते करते अल्टीमेटली इसे डाउन ही जाना है, तो जब जब मौका मिल रहा है एग्जिट करते जाइए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड।